बुद्धा पार्क तक हम लोग जाएंगे। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है, दुखद समाचार आज ये हमें प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच जो रघुवंश बाबू थे वो आज नहीं रहे, और बहुत ही सम्मानित बहुत ही शिक्षित पर्सन थे, जिनके लिए हम लोगों को बहुत ही अंतर मन में दुख है। और इसलिए ये जो कार्यक्रम है थोड़ा सा दुख हुई होकर भी हम लोग मना रहे हैं, लेकिन यह है कि शिक्षा का जो मुद्दा है वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक चिंगारी के रूप में फूका था, आज ये प्रचंड ज्वाला बनकर बिहार में जल रही है। और ये जब तक जलेगी तब तक, जब तक ये शिक्षा है जो पूरी तरह से, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं सर? इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रखंड महासचिव, ये सारे हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी शामिल? हाँ हाँ, वो शामिल हो चुके हैं और वो आ चुके हैं अभी मंच पे, और उनका जो वक्तव्य जारी हो गया है, और हम लोग जो उन्हीं के साथ चलते चलते इस शिक्षा के बारे में जो भी है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये नहीं लगता कि रघुवंश प्रसाद जी का निधन हुआ है वो तेजस्वी प्रसाद जी के द्वारा ऐसा हो गया? देखिए, अभी कोई ऐसी तरह इस तरह का आलोचना नहीं कर सकते हैं। बहुत दुख है, बहुत चिंता है कि हमारे बीच वो नहीं रहे, और इस बारे में कोई ज्यादा खास टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। हाल फिलहाल में उन्होंने दो दिन पहले समाचार में उन्होंने ऐसा अवगत कराया था कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी राजद सुप्रीमो लालू जी को, और हमारे नीतीश बाबू को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और उसके बाद आज का सुबह का यह समाचार। 1968 में हमारा शिक्षा सुधार हुआ था और 1986 में हमारा शिक्षा सुधार हुआ था, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई थी लेकिन फिर भी बहुत बेहतर था। आज 2020 में भी शिक्षा सुधार हुआ है, प्रखंड लेवल पे, जिला स्तर पे, इन सब पे हुआ है, लेकिन उसमें भी काफी त्रुटियां हैं जो हम समझ रहे हैं, कुछ जनता नहीं जान रही है। कितने तादाद में आप लोग जा रहे हैं सर यहां से? हम लोग यहां से लाखों के तादाद में हैं, और कुछ दिनों के बाद जैसा लग रहा है अगर स्थिति सुधार नहीं हुई तो पूरी बिहार की जनता यहां साथ में चलेगी। कहना हमको ये है कि शिक्षा के सुधार के लिए तो 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का सुधार का मांग है, शिक्षा सुधार का पूरे बिहार में। जो हमारे नीतीश कुमार सुशासन बाबू जो है जुमलाबाज हैं, हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान शिक्षा से बेहाल हैं। अमीर का बच्चा जो है बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इतनी में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अमरीका, जापान, लंदन, उनके बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में गरीब का बच्चा या गरीब किसान का बच्चा या गरीब मजदूर का बच्चा वो बेचारा पढ़ने से पीछे है। हम चाहते हैं कि बिहार में एक सम्मान हो, जहां अमीर का बच्चा पढ़े वहीं गरीब का भी बच्चा पढ़ना चाहिए। तो रघुवंश बाबू के, वो तो भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, आरजेडी का, अच्छे नेता थे, अच्छे लीडर थे, बिहार के वो तिथि थे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका वर्णन करते हैं।